राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर फलोदी विधायक पप्पाराम विश्नोई और पूर्व राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी, जिला अध्यक्ष महेश चौहान ने डाक बंगले में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान विधायक पप्पाराम विश्नोई ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया है। ये धोखा आने वाले 2024 के चुनाव में जनता हिसाब लेगी। राजस्थान सरकार ने युवाओं के बेरोजगारी भत्ते का लालच देकर युवाओं के साथ धोखा किया है। वहीं वर्तमान में हम देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, सरकार इसमें भी नाकाम है। सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल होटलों में मस्त और वस्त्र रखकर निकाला, जो कि जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। कल राजस्थान सरकार अपने 2 वर्ष होने के उपलक्ष्य में जश्न मना रही थी और इस प्रकार के दावे कर रही थी कि हम लोगों ने जो हमारे हमने जो चुनाव प्रचार के दौरान में चुनाव मैनिफेस्टो में जो जो वादे किए थे, जो जो हमने बात कही थी, उसका लगभग 50% पूरा कर लिया है। असत्य के ऊपर एक बार और असत्य की जो आवरण चढ़ाया जा रहा है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे जिनकी मैं आपको